हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमने स्टार्ट किया था लाइट चैप्टर 10th क्लास का, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले एक्चुअल में ये होती क्या है, एक एग्ज़ाम्पल लें कि अगर हमारे पास एक बॉल है, हमने उसको किसी भी वॉल पे जाके हिट किया, बॉल को किसी भी वॉल पे हिट करते हैं तो वो जाके वापस आएगी। तो मींस बॉल एयर में थी, किसी भी वॉल से हिट की और फिर वापस आ गई। तो जब बाउंस बैक कर रही है कोई बॉल, वो हमारे पास क्या है, एक तरह की रिफ्लेक्शन है। सिमिलरली जब कोई लाइट किसी भी सरफेस पे आके स्ट्रिक करेगी और मूव कर जाएगी, लाइट आई सरफेस पे, फॉल की, फिर उसी सरफेस में बाउंस, उसी मीडियम में बाउंस बैक कर गई, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक बॉल जैसे मूव कर जाती है, सिमिलरली जब लाइट आके फॉल करती है और वो बाउंस कर जाती है, वो जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। सो द बेंडिंग ऑफ लाइट, द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, वो हमारे पास क्या बन जाता है, वो बन जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई भी एक सरफेस पे लाइट आके स्ट्राइक करेगी, ये जो सरफेस है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हमने उसको एक तरफ से पॉलिश कर दिया है, जब हमने उसको एक तरफ से पॉलिश किया है ये बन गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कोई भी रे आके स्ट्राइक करेगी, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आके फॉल कर रही है, दूसरी डायरेक्शन में डेविएट कर रही है। सो दिस प्रोसेस ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो फिनोमिनन है इस चैप्टर में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन में मीडियम का चेंज आता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्शन, अगर लाइट एयर में है, एयर में आके मूव कर रही है, रिफ्लेक्शन। वाटर में ही डेविएशन हो रही है, लाइट वाटर के एक सरफेस पे जाके स्ट्राइक कर रही है और वाटर में ही मूव कर रही है, तो मींस रिफ्लेक्शन। ग्लास में है तो ग्लास के अंदर ही मूव कर रही है, अगेन रिफ्लेक्शन, मीडियम चेंज नहीं होगा। अगर एयर से वाटर में आ जाए या वाटर से ग्लास में चले जाए तो वो हमारे पास मीडियम चेंज होना है। तो मीडियम जब चेंज होता है वो रिफ्रैक्शन हो जाता है। जब मीडियम चेंज नहीं हो रहा, एयर टू एयर, वाटर टू वाटर, ग्लास टू ग्लास, वो जो फिनोमिनन है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो द बेंडिंग ऑफ लाइट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, ये हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गई। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए सबसे पहली चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, जिस पे आके रे स्ट्राइक करेगी। तो हमने क्या बोला, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस पे सबसे पहले एक रे आके स्ट्राइक करती है, ये जो रे सबसे पहले आके स्ट्राइक की, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ये तो हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि ये वाली जो रे है हमारे पास, ये क्या बन जाती है, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे अगर हम बोलें, डिफाइन करें हमारे पास क्या है, तो द रे विच स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द रे विच स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। कोई भी रे आई किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आके, सबसे पहली जो रे आके स्ट्राइक की, इंसिडेंट रे। फॉल की, जिस पॉइंट पे आके फॉल कर रही है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। जिस पॉइंट पे आके रे स्ट्राइक करेगी, ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्योंकि अब रे इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट कर रही है, तो ये सेम पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। क्योंकि इसी पॉइंट से हमारे पास, इसी पॉइंट पे आके स्ट्राइक कर रही है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस,
इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट कर रही है तो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर से लाइट का सेम मीडियम में डेविएट करना, रिफ्लेक्शन एयर टू एयर, वाटर टू वाटर, ग्लास टू ग्लास, मीडियम चेंज नहीं हुआ तो वो रिफ्लेक्शन हो गई। रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत हमें क्या थी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया, हमने बोला कि अगर हमारे पास कोई रे आके किसी पॉलिश्ड सरफेस पे स्ट्राइक करती है, रे आई पॉलिश्ड सरफेस पे स्ट्राइक की, तो सबसे पहली जो रे आके स्ट्राइक की उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। तो रे विच स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इंसिडेंट रे। अब जो रे डेविएट कर गई, जो रे हमारे पास डेविएट कर जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। एक है हमारे पास इंसिडेंट रे, दूसरी है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, जो डेविएट कर गई। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे इज द रे विच गेट्स डेविएटेड, द रे विच गेट्स डेविएटेड इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। जो सबसे पहली आके स्ट्राइक की रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, इंसिडेंट रे, जो डेविएट कर गई वो रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट इज इनके बीच में सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस उसके परपेंडिकुलर, तो सरफेस के परपेंडिकुलर जो रे हुई उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रे। तो एनी रे विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस वो क्या बोली जाएगी, नॉर्मल रे बोली जाएगी। थर्ड आ गई हमारे पास नॉर्मल रे, तो नॉर्मल रे इज द रे विच इज नॉर्मल टू द सरफेस, द रे विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो रे हमारे पास सरफेस के परपेंडिकुलर है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रे। सबसे पहले इंसिडेंट विच स्ट्राइक्स द सरफेस, रिफ्लेक्टेड विच गेट्स डेविएटेड, नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस हमने लिया है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जिस पॉइंट पे आके हमारे पास स्ट्राइक की वो पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स, द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स। तो जहाँ रे आके स्ट्राइक की वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। सिमिलरली पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम है, तो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज द पॉइंट फ्रॉम विच the ray gets reflected। तो जिस पॉइंट से रिफ्लेक्शन हुई, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, बट बाई चांस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे नॉर्मल, इंसिडेंट रे नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन, एंगल आई से डिनोट कर दिया हमने इसको, एंगल आई, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, the angle between incident ray and normal ray is called angle of incidence। next is angle of reflection, angle of reflection denoted by angle r, reflected ray and normal, reflected ray and normal। to kya ho jayega, the angle between reflected ray एंड नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन. फिर से, द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, रिफ्लेक्शन, द रे विच स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, इंसिडेंट रे, द रे विच गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, रिफ्लेक्टेड रे, द रे विच इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, नॉर्मल रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज सेम एज पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, द रे विच स्ट्राइक्स, द पॉइंट एट विच द रे स्ट्राइक्स इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट फ्रॉम विच द रे गेट्स डेविएटेड इज पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल, इंसिडेंट एंड नॉर्मल, तो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे पास क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉज हैं. सबसे पहला लॉ जो हमारे पास है इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन मीन्स हमारे पास इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द एक्स वाई प्लेन. ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो एक्स वाई प्लेन में ही लाई कर रही हैं हमारे पास, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड, एक ही प्लेन में है. एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, एक्स वाई प्लेन में ही हमारे पास डेविएशन हो रही है. तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, तीनों रेज, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. रूल नंबर टू, लॉ नंबर टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज equal to the angle of reflection. Angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Means angle I is always equal to the angle R. Incidence, angle of incidence, reflected ray के साथ जो angle बनता है angle of reflection, ये हमेशा क्या होंगे, same. मतलब अगर इंसिडेंट रे यहाँ पे 30 डिग्री पे स्ट्राइक करती है तो 30 डिग्री पे डेविएट करेगी, 60 पे स्ट्राइक करती है तो 60 पे डेविएशन होगी. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसी पे बेस्ड 8th क्लास में हमारे पास एक क्वेश्चन था, व्हाट हैपन्स टू द रे इफ इट strikes the surface normally. What happens to the ray if it strikes the surface normally? तो क्या होगा, polished, polished, polished surface. ये आई incident ray. Incident ray normally strike कर रही है, incident ray normally strike कर रही है. तो यही incident ray, यही नॉर्मल रे, दो लाइंस जब पैरेलल होती हैं तो एंगल कितना हो जाता है दोनों के बीच में, जीरो डिग्री. तो मींस यही इंसिडेंट है, यही नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, जीरो. यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. तो एंगल आई और एंगल आर सेम होगा तो आर भी जीरो हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हो गया. तो रे कैसे जाएगी, वापस ऊपर चली जाएगी, मींस सेम पाथ को रीट्रेस करेगी. तो रीट्रेस इट्स पाथ, रीट्रेस करेगी रे अपना पाथ. ये है रिफ्लेक्शन का टॉपिक. रिफ्लेक्शन में क्या था, बेंडिंग ऑफ लाइट, डेविएशन ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, एयर टू एयर, वाटर टू वाटर, सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन. अब हमारे पास
कौन सा सरफेस कितनी रिफ्लेक्शन करेगा, ये कौन डिसाइड करता है? नेचर ऑफ सरफेस. नेचर ऑफ सरफेस डिसाइड करता है कि सरफेस के थ्रू कितनी रिफ्लेक्शन होगी. तो अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज डिसाइडेड बाय द नेचर ऑफ द सरफेस. अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन ये किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस. डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस कि हमारे पास जो सरफेस हम यूज कर रहे हैं उसकी नेचर कैसी है. बेस्ट रिफ्लेक्टर, अगर हम बेस्ट रिफ्लेक्टर की बात करें तो सिल्वर बेटा बेस्ट रिफ्लेक्टर बोला जाता है. तो सिल्वर जो है हमारे पास वो क्या है? बेस्ट रिफ्लेक्टर होगा. मतलब अच्छी, सबसे अच्छी रिफ्लेक्शन कौन करने वाला है? तो सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर. और रिफ्लेक्शन कितनी होगी, अमाउंट कितना होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? नेचर ऑफ द सरफेस मतलब कौन सा मटेरियल है वो डिसाइड करेगा. रिफ्लेक्शन किया, फिनोमिनन ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन कहीं से भी हो सकती है, वॉल से, बुक से, हर ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है लाइट. कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा. अब हमारे पास, हम ल्यूमिनस तो नहीं है, हम तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम बोरो करके लाइट एमिट करते हैं, बट हर कहीं रिफ्लेक्शन होगी. रिफ्लेक्शन कितनी होगी, सरफेस डिसाइड करेगा. तो हमारे पास, हमने यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया, एक पॉलिश्ड सरफेस लिया, हमने बोला उस पर एक रे आके स्ट्राइक कर रही है, नंबर वन इंसिडेंट रे, डेविएट कर जाएगी रिफ्लेक्टेड रे. फिनोमिनन इज रिफ्लेक्शन. नॉर्मल, कोई भी रे नॉर्मल होगी टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो क्या बोली जाएगी? नॉर्मल रे. नेक्स्ट, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस. रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये हमारे पास क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज सेम एज द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि सेम पॉइंट पे आके स्ट्राइक कर रही है, सेम पॉइंट से डेविएशन हो रही है. नेक्स्ट, फिर हमने बोला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट हैं. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हैं? इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक्स वाई प्लेन में आ रही है, उसी प्लेन में जा रही है. नेक्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जितने एंगल से रे स्ट्राइक करेगी उतने एंगल से रिफ्लेक्शन हो जाएगी. तो हमारे पास क्वेश्चन था कि वॉट हैपन्स टू द रे इफ इट स्ट्राइक्स द सर्फेस नॉर्मली, तो रीट्रेस करती है. अगर एंगल आई जीरो है तो एंगल आर भी जीरो हुआ, क्योंकि इंसिडेंट रे, यही नॉर्मल रे, एंगल जीरो, एंगल आर भी जीरो, तो सेम पाथ को रीट्रेस करेगी. नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे पास दो तरह की रिफ्लेक्शन होती है. सबसे पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरी है डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन. सबसे पहले आ गई रेगुलर, सेकंड है इरेगुलर और डिफ्यूज्ड. रेगुलर एंड इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. अब रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सी है? सरफेस, सबसे पहले सरफेस कैसा होना चाहिए? स्मूथ. रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब सेट ऑफ पैरेलल रेज आई किसी स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक की. पैरेलल रेज आएंगी, स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक करेंगी और पैरेलल ही चली जाएंगी. पैरेलल आई और पैरेलल चली गई. पैरेलल आई और पैरेलल मूव कर गई. रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस पे होगी.
तो अगर हमारे पास व्हेन अ सेट ऑफ पैरेलल रेस व्हेन अ सेट ऑफ पैरेलल रेस स्ट्राइक दी कैसा सरफेस, स्मूथ सरफेस, कैसा सरफेस होगा, स्मूथ सरफेस होगा एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द सेम पैटर्न, इन द सेम पैटर्न, तो वो हमारे पास क्या होगी, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये हमारे पास किसी भी स्मूथ सरफेस पे, जब भी किसी प्लेन ग्लास पे, हमने बोला मिरर पे आके लाइट पैरेलल रेज आ रही हैं, पैरेलल मूव कर रही हैं, तो ये हमारे पास जो रिफ्लेक्शन होगी ये कैसी होगी, स्मूथ। इररेगुलर और डिफ्यूज्ड मींस सरफेस हो गया रफ। कैसा सरफेस यूज करेंगे, रफ सरफेस। कहीं से भी, वॉल से, बुक से, कहीं से भी हमारे पास जब डेविएशन हो रही है लाइट रेज की, वो कौन सी होती है, इररेगुलर और डिफ्यूज्ड। पैरेलल आई तो सेट ऑफ पैरेलल रेस, बट जा कहीं भी सकती हैं, कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकती हैं, पैरेलल नहीं रही। तो ये जो रिफ्लेक्शन है ये हो गई इररेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो अगर हमारे पास व्हेन अ सेट ऑफ पैरेलल रेस कहाँ स्ट्राइक करेंगी, स्ट्राइक दी रफ सरफेस, रफ सरफेस पे स्ट्राइक करेंगी एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द डिफरेंट पैटर्न और डिफरेंट डायरेक्शंस, देन दैट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज इररेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्या बोला हमने, अगर हमें चाहिए स्मूथ तो मींस हमारे पास स्मूथ रिफ्लेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी रिफ्लेक्शन मिरर से होगी, तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेस, मान लो मिरर, तो वो हमारे पास क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड इररेगुलर। कोई भी इररेगुलर सरफेस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम बुक, वॉल, न्यूज़पेपर, ये सब चीज़ें हमारे पास क्या हैं, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन में जो लाइट है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती है, जिसकी वजह से हमें हेल्प मिलती है बॉडी की, ऑब्जेक्ट की डिफरेंट साइड से पिक्चर देख पाने में। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हमें वो डिफरेंट डायरेक्शन से भी दिख रहा है और काफ़ी उसका जो एंगल है, जो हमारे पास व्यू है, उसको हम कवर कर सकते हैं। तो मींस जो ऑब्जेक्ट हम डिफरेंट लाइट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएगी, वो हेल्प करेगी हमें ऑब्जेक्ट को डिफरेंट हर तरफ वाली डायरेक्शन से देखने में। तो ये हो गई रेगुलर रिफ्लेक्शन, कंडीशन नंबर वन स्मूथ सरफेस, इररेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन रफ सरफेस। पैरेलल रेज आएंगी, पैरेलल डेविएट करेंगी, सेम पैटर्न फॉलो करेंगी, पैरेलल आई बट डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर गई, तो जितनी भी हमें दिखती हैं वो सब क्या है, इररेगुलर है, डिफ्यूज्ड है, तभी हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट साइड से देख पाते हैं। और ये हमारे पास रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, स्मूथ सर्फेस वाली, तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस में देखने में हेल्प करता है, कौन सा, इररेगुलर और डिफ्यूज्ड। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास रिफ्लेक्शन के बाद कुछ इमेज मिलती है। अब वो इमेज हमारे पास जो हमने स्टडी करनी है वो दो तरह की होती है। तो इस चैप्टर में हमारे पास टाइप्स हैं जो हमें पढ़नी है, टाइप्स ऑफ इमेजेस। तो वो क्या होगा, सबसे पहले रियल इमेज, सेकंड इज वर्चुअल इमेज। एक है रियल इमेज, दूसरी है वर्चुअल इमेज। एक है रियल इमेज, दूसरी है वर्चुअल इमेज। अब रियल कौन सी है, जब लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमें एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देती हैं। तो जब लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअली इंटरसेक्ट करेंगी, वो हमारे पास रियल इमेज बनाएंगी।
वर्चुअल मीन्स एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती, हम धक्के से मान लेते हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं। रियल इमेज में जो लाइट रेज हैं, लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअली इंटरसेक्ट, तो जो इंटरसेक्ट करेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वो है रियल इमेज, जहां लाइट रेस अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, मतलब एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, धक्के से मिला रहे हैं हम, तो जहां भी मीट नहीं करेंगी हम एक्सटेंशन दे देंगे वर्चुअल इमेज। तो जितनी भी हमारे पास रियल इमेजेस होती हैं दे आर ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड का पेयर है, रियल एंड इन्वर्टेड का पेयर है, वर्चुअल एंड इरेक्ट का पेयर है, मतलब हम मिरर में देखते हैं तो हम सीधे नजर आ रहे हैं, वो हमारे पास वर्चुअल इमेज है और हमें सीधी दिख रही है। तो इरेक्ट जब ऑब्जेक्ट ऐसे होगा इमेज ऐसे दिखेगी, इन्वर्टेड जब ऑब्जेक्ट भी ऐसे है और इमेज भी ऐसे है तो इरेक्ट, इन्वर्टेड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, रियल के साथ इन्वर्टेड का पैर है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट का पैर है। तो फिर से रियल इमेज जहाँ एक्चुअली इंटरसेक्शन होगी धक्के से, अपीयर्स टू मीट, यहाँ पे रियल के साथ कैसी इमेज बनेगी इन्वर्टेड, यहाँ कैसी बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास इमेज ऑब्टेन्ड आफ्टर द प्रोजेक्शन, जो प्रोजेक्टर्स यूज किए जाते हैं, इमेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोजेक्टर्स ऑन द वॉल, तो जो भी प्रोजेक्टर्स से वॉल पे इमेजेस दिखाई जाती हैं वो कैसी हैं, रियल हैं, वॉल पे प्रोजेक्शन करके दिखाई गई रियल इमेज है। जो इमेज हमारे पास फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, तो इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर वो हमारे पास कैसी हो गई वर्चुअल। तो सबसे पहले एक्चुअल में इंटरसेक्ट हो रहा है रियल इमेज, एक्चुअली नहीं हो रहा, अपीयर्स टू मीट वर्चुअल इमेज, रियल के साथ किसका पैर है इन्वर्टेड का, वर्चुअल के साथ किसका पैर है इरेक्ट का। और रियल इमेजेस कौन सी होती हैं, जितनी भी प्रोजेक्टर्स से सिनेमा हॉल में हमें पिक्चर्स दिख रही हैं वो रियल हैं, लेकिन जो इमेज प्लेन मिरर से फॉर्म हो रही है वो कैसी हो गई वर्चुअल हो गई। तो ये था हमारे पास रियल एंड वर्चुअल। हमने किया रेगुलर रिफ्लेक्शन, पैरेलल रेस आएंगी, पैरेलल मूव करेंगी, क्या कंडीशन है स्मूथ सरफेस, यहाँ पैरेलल आएंगी रफ सरफेस पे स्ट्राइक करेंगी और कैसे चली जाएंगी डिफरेंट डायरेक्शंस में। रियल इमेज एक्चुअल इंटरसेक्शन होगी अपीयर्स टू मीट, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट। प्रोजेक्टर से जो इमेज मिल रही है सिनेमा हॉल में जो मिल रही है, और दूसरी तरफ वर्चुअल इमेज हमारे पास जो भी इमेज प्लेन मिरर में फॉर्म हो रही है वो हमारे पास क्या आ जाएगी वर्चुअल एंड इरेक्ट आ जाएगी। चलिए बेटू बाय।